नमस्कार साथियों, डिवाइन क्लासेस के इस परिवार के अंदर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर स्टडी कर रहे थे और हमारी दो क्लास हो गई। आज इसी कड़ी के अंदर हमारा लास्ट पोर्शन है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हमारी क्लास आज की। देखते हैं सबसे पहले हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। स्लाइडों के द्वारा डिसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले देखो आज का पहला पोर्शन ये है एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। ये O2 एंड CO2 का एक्सचेंज है वो किस तरीके से होता है। अब ये देखो दो चीजों के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था ये जो एयर अपन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से जितनी भी एयर अपन ले रहे हैं वो हमारी एल्वियोलाई तक पहुंचती है और उसके बाद में ब्लड तक जा रही है। ब्लड वो सेल वो सारी जितनी भी ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर रहा है सेल को। ये दोनों प्रोसेस ही देखते हैं। तो पहला तो हमारा इसके अंदर पॉइंट आएगा कि एल्वेलाई टू एल्वेलाई से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसे जा रहा है, पहले तो ये बात। और इसी के अंदर सेकंड पोर्शन है वो ये है कि अगर ये ब्लड के अंदर जा एल्वेलाई से लेके ब्लड के अंदर, और दूसरा पोर्शन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपन कि ब्लड से ब्लड टू सेल किस तरीके से ट्रांसफर होता है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सपोज हमारे पास ये मैंने डायग्राम बना लिया, पेन चेंज करते हैं। सपोज ये डायग्राम है एल्वेलाई का, इस तरीके का गुच्छा होता है। और इसके बाद में ये डायग्राम मैंने इधर बनाया है ब्लड कैपिलरीज का। ये मानो ब्लड कैपिलरीज है। अब देखिए, अब देखो हमने जैसे ही ऑक्सीजन अंदर ली या फिर एयर सारी अंदर ली तो कहने का मतलब यहां पे ऑक्सीजन है वो ज्यादा हो गई। अब ये ऑक्सीजन है वो इस तरफ जा रही है, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी किसकी तरफ। ये तो मैंने लिख दिया एल्वेलाई और इसको अपन लिखेंगे ब्लड। तो सबसे पहले O2 है वो ट्रांसफर होने वाले किस तरफ, एल्वेलाई से लेके ब्लड की ओर। एल्वेलाई से ब्लड की ओर O2 ट्रांसफर होने वाली है और उसके बाद में ब्लड है ना उसके पास अगर CO2 है वो ट्रांसफर हो जाएगी इस तरफ। तो ये प्रोसेस होने वाली है एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है कि ये गैसें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, उसका भी तो कोई रीजन होगा। बिल्कुल उसका रीजन है, देखिए अगर एल्वेलाई के पास जैसे ही हमने एयर ली तो यहाँ पर O2 की डेंसिटी है वो ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है इस तरफ ब्लड के अंदर और CO2 की डेंसिटी है वो ज्यादा है। और हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा कि एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहता है कि कोई भी क्वांटिटी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन वाली प्रोसेस के द्वारा यहां से ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगी और ब्लड के अंदर अगर जो CO2 है वो ट्रांसफर हो जाएगी वापस एल्वेलाई के, और वो वापस एल्वेलाई अपन एक्सहेल के थ्रू एयर को है ना आउटर पार्ट के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो क्या बात समझ में आई कि एल्वेलाई से ब्लड के अंदर ये O2 और CO2 का ट्रांसफर है ना उसकी प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन वाली प्रोसेस के द्वारा। डिफ्यूजन वाली प्रोसेस का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, चीजों का मूव कर जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। इस वाली प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आपस के अंदर। आज का टॉपिक देखो दोबारा बता रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। सबसे पहले हमने लिया एल्वेलाई और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो है वो किस तरीके से होता है और CO2 का फ्लो भी किस तरीके से होता है। सपोज एल्वेलाई ये है और ये मैंने बना दिया ब्लड,
अब देखो ब्लड कैपिलरीज के पास CO2 की क्वांटिटी ज्यादा होती है और एल्विओलाई के पास O2 की क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्योंकि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज होती है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करती है। तो यहां से O2 है वो ट्रांसफर होकर इधर जा रही है, क्योंकि इसके पास O2 ज्यादा है, इसके पास O2 कम है, और इधर से ब्लड के पास CO2 ज्यादा है, वो ट्रांसफर होकर इधर आ रही है। प्रोसेस कौन सी है? डिफ्यूजन। अब हमारे ब्लड के पास ऑक्सीजन आ गई है, ठीक है। तो ये मैंने इधर वापस डायग्राम बनाएंगे हम एक और। ये हमारे पास वो ब्लड की कैपिलरीज हैं, या ब्लड है जिसके पास क्या है? ऑक्सीजन है। यहां से ऑक्सीजन लेके आया ना वो, और ये हमने आगे एक डायग्राम और बना लिया। ये किसी में सेल का डायग्राम बना रहा हूं। सपोज ये किसी सेल का डायग्राम है, ये मान लो कोई सेल है। एग्जाम्पल, ये सेल है और ये ब्लड कैपिलरीज। ब्लड ब्लड से सेल को भी, अब यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है जबकि सेल के पास CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से O2 ऐसे ट्रांसफर होगी, ये O2 ट्रांसफर हो रही है, जबकि CO2 जैसे ही सेल ने CO2 रिलीज की, वापस ब्लड के अंदर आके मिल जाएगी वो CO2, और ब्लड उसको कहाँ ट्रांसफर करेगा? ये वाली प्रोसेस के द्वारा। देखो इस तरफ चलता 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 ये प्रोसेस यहाँ आ जाएगी वापस, तो CO2 यहाँ से होते होते और वापस एल्वेलाई के पास चली जाएगी। एल्वेलाई ने O2 यहाँ ट्रांसफर की जो ब्लड के पास जा रही है, ब्लड के पास आते आते यही CO2 इसने सेल को ट्रांसफर कर दी। सेल ने अलग अलग प्रोसेस की, वो कल ही पढ़ा था अपन ने, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर वो चलते हैं ना, तो वो इसी सेल के अंदर हो रही प्रोसेस। तो उससे जो CO2 बनती है, वो CO2 वापस ब्लड के पास लौट जाती है, और यहीं से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस एल्वेलाई के पास पहुंच जाती है। अब एल्वेलाई हमारे लंग्स से होते होते, ट्रेकिया से होते होते, फिर लेरिंग्स, फिर फेरिंग्स से होते होते, नासल डक्ट के द्वारा वापस बाहर निकाल देते हैं हम इस CO2 को, और वापस O2 लेते हैं। वो O2 सारे ऑर्गन से होते होते एल्विओलाई के पास आती है, आते आते ब्लड में मिलती है और लास्ट के अंदर सेल के पास जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी को चाहिए थी वो CO2। तो ये हमारा आज का पहला पोर्शन है, वो कंप्लीट हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 इस तरीके से चलता रहता है। अच्छा, यहां पर डिफ्यूजन वाली प्रोसेस थी, तो यहां पर भी डिफ्यूजन वाली ही प्रोसेस है, इधर भी डिफ्यूजन वाली ही प्रोसेस होती है, इधर भी डिफ्यूजन वाली प्रोसेस ही हो रही है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना डिफ्यूजन, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर मूव करना डिफ्यूजन। समझ गए ना? अब इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद में नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव करेंगे अपन। चलिए सेकंड देखते हैं। अब देखो दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो ये टॉपिक देखने में सिमिलर से ही लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इनके अंदर वैरायटी है। देखो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, अब हमारे ब्लड के पास माना कि ऑक्सीजन चली गई, या फिर ब्लड के अंदर मान लो CO2 भी है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है और CO2, लेकिन इन दोनों का ट्रांसपोर्ट कैसे करता ब्लड? ब्लड के अंदर भी तो कोई ऐसी चीज होगी ना जो उसको लेके जाता हो वहां पर, वो पढ़ने वाले हैं गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसके अंदर O2 ट्रांसपोर्टेशन। सपोज हमने बाहर से 100% O2 है वो गेन की है, 100% जो भी अपने O2 गेन की है उसको हम 100% मान रहे हैं। तो इस वाली प्रोसेस के अंदर O2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होगा वो देखो आप। तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होगा। There are two, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा आपको ये वाला पेन। There are two ways of transportation।
अब वो दो तरीके हैं ना, वो आपको बताने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो, पहला तरीका तो है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर, ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, इसके अंदर यही कहना चाह रहा है। तो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं पहले, फिर पढ़ेंगे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले देखो, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या करता है वो, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ऐसे करके ये, और 70% ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चला जाता है, 70% ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चला जाता है, कौन, हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सेकंड क्या देखने वाले हैं, देखो बी वाला, डिसॉल्व्ड या डिसॉल्व्ड विथ प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा के साथ अगर घुली हुई है ऑक्सीजन, 70% तो वहां से चलेगी, तो डिसॉल्व स्टेट के अंदर, डिसॉल्व विद प्लाज्मा के साथ घुली हुई अवस्था के अंदर ये 30% ऑक्सीजन जो रिमेनिंग है आफ्टर 70% विद द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे पास 30% रिमेनिंग रही। ऐसे करके अगर टोटल अपन बात करें, टोटल तो टोटल निकल गया था 70 और 30, यानी 100% ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ये वाली बात समझ में आई क्या? देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, टॉपिक का नाम है गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। कोई गाड़ी है क्या, उसके अंदर कोई गाड़ी थोड़ी ना है, ये अपने ऊपर बैठा के लेके जा रहा है, वो बताना चाह रहा है वो। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, ऑक्सीजन को दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक बार 70% लेके जाएगा, एक बार 30%। 70% लेके जाएगा हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है, प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन है वो घुल जाती है, घुलने के बाद में इसका ट्रांसपोर्ट होता है 30%। तो 70 और 30 दोनों मिला के 100% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया सारी सेल के पास। ब्लड से सेल के अंदर ऑक्सीजन के जाने का तरीका ये बता रखा, समझ गए ना। अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम अगली स्लाइड पे मूव करने वाले हैं। O2 का ट्रांसपोर्टेशन वो पढ़ेंगे अपन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, फटाफट कॉपी कर लो इसको। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे। सेकंड है, पहले वाले के अंदर देखा था O2 का ट्रांसपोर्टेशन, अब देखेंगे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको हटाओ, यहां लिखेंगे CO2 ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है। O2 का ट्रांसपोर्ट करने का मैंने आपको दो तरीके बता दिए थे, एक तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर, एक तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर, और एक तरीका हमने देखा था उसके अंदर कि प्लाज्मा के अंदर किस तरीके से डिसॉल्व होता है। ऐसे करके 100% देख लिया था, अब देखने वाले हैं CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके लिए देयर आर थ्री वेज, इसके लिए तीन तरीके हैं, तीन तरीके। पहला तो इन द फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट आयंस,
इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म के अंदर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? इसके अंदर 70% CO2 है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देर के देर आर थ्री वेज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। पहला तरीका इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, इन द वे ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। अब दूसरा तरीका देखेंगे, क्या ये CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिलता है? क्या इसमें भी वही प्रोसेस है जो उधर अपन ने देखा था? यस, ये CO2 है वो हीमोग्लोबिन इसको भी लाने ले जाने का थोड़ा काम करेगा। तो ये कार्बो हीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर कार्ब सेकंड वाला जो तरीका वो देखने वाले हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्ब हीमोग्लोबिन। इसमें 23% है वो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। पहले में इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, दूसरे में इन द फॉर्म ऑफ कार्ब हीमोग्लोबिन यानी 23%, और तीसरा देखने वाले हैं डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर। अब देखो ये 70 है 23, तो बचा हुआ रिमेनिंग 7% वो इसमें आ जाएगा। टोटल करेंगे तो ये 100% हमारा CO2 का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, CO2 का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पहले तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर 70%, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ कार्ब हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 23%, और तीसरा है डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा यानी 7%। टोटल 100% हो रहा है। अब इसको फटाफट कॉपी कर लो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है वो लेने वाले हैं। जल्दी करो इसको कॉपी। चले आगे। तो पहला तो देखो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म के अंदर 70%, कार्ब हीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर 23, और प्लाज्मा की फॉर्म प्लाज्मा के साथ घुले हुए 7, तो ये टोटल 100% हो रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, ये वाला देखो। अब ये देखो तीसरा, एक है ग्लाइकोलाइसिस, एक है क्रेब साइकिल, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। तो जल्दी से लिखते हैं, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो होता है अकर इन साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं नोन एज EMP पाथ। इसको EMP पाथ भी बोलते हैं क्योंकि दो तीन साइंटिस्टों ने मिलके इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको EMP पाथ भी बोलते हैं। तो अकर इन साइटोप्लाज्म नोन एज EMP पाथ। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ये जो क्रेब्स साइकिल है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो हम लिख सकते हैं अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। पहला साइटोप्लाज्म के अंदर क्रेब साइकिल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको EMP पाथ भी कहते हैं, और इसके अंदर एनर्जी है वो कम बनती है, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, जबकि इसके अंदर मोर अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस। इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
अब एनर्जी के मैं वैसे तो मैं डाटा भी लिखवा सकता हूँ कि इसके अंदर कितनी एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें कितनी हो सकती है, लेकिन वो हर जगह पे अलग अलग डाटा मिलेंगे। कई बार ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10 ATP बनते हैं, फिर 2 एक्सपेंस हो जाते हैं तो 8 बचते हैं इसके अंदर। इसमें 30 ATP दिखाया जाता है, कई बार दोनों को मिला के 38 ATP किया जाता है। कई जगह पे इसके अंदर 20-22 के ऊपर ही आगे खत्म कर दिया जाता है। तो ये यहां तक है ना, वो इसको देखो, और एटीपी वाला है वो, जो बुक आप पढ़ रहे हो उसके अंदर देख देख के बताना, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना कि इन दोनों के अंदर कितने एटीपी है, वो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल दोनों के अंदर मैंने डिफरेंस बता दिया आपको। ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, नोन एज EMP पाथ, क्योंकि दो तीन साइंटिस्टों ने मिलकर इसके बारे में बताया था। सॉरी, लेस अमाउंट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, जबकि इसके अंदर मोर अमाउंट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, मोर अमाउंट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। ये वाला फटाफट कॉपी कर रो, फिर हम आगे देखने वाले हैं। और जो भी ये वीडियो देखें वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि इन दोनों को मिला के कितनी ATP एनर्जी है वो बनती है। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आगे वाले पोर्शन में देखते हैं, 3 के बाद में 4 वाले पे। हाँ, ये देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब देखो रेस्पिरेटरी, अगर मान लो कोई आपसे ये पूछे रेस्पिरेटरी, बस दो पोर्शन हो रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे से पोर्शन है ये। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग है ना, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है वो बताना आपको। तो कोई आपसे पूछे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए लंग्स। क्या जाएगा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स आ जाएगा। इसी की तरह ये ह्यूमन इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, बाकी अगर मान लो अलग लिखना चाहो तो मेमल्स, मेमल्स के अंदर भी सेम यही आने वाला है। मेमल्स के अंदर भी, ह्यूमन भी मेमल्स के अंदर ही आ रहा है। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रॉग, फ्रॉग, तो अगर मान लो फ्रॉग है तो फ्रॉग के दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, इसकी स्किन भी होती है और इसके अंदर लंग्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं। अगर ये वाले भैया फ्रॉग है ना, वो अगर जमीन के अंदर है तो स्किन के थ्रू, जमीन के ऊपर है तो लंग्स के द्वारा। फिर अगर हम बात करें जैसे टेडपोल है, टेडपोल, तो टेडपोल के अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स, टेडपोल के अंदर गिल्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल की बात करें, एक्वेटिक एनिमल यानी जो पानी में रहने वाले हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स, टेडपोल के अंदर गिल्स, एक्वेटिक एनिमल के अंदर भी गिल्स, और फ्रॉग के अंदर स्किन और लंग्स। मेमल्स के अंदर हमने बता दिए लंग्स, जबकि ह्यूमन के अंदर भी लंग्स ही हैं, क्योंकि ह्यूमन के बारे में पढ़े इसलिए ये वाली बात मैंने थोड़ी अलग से लिख दी। ठीक है ना, समझ गए। और अगर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में आ जाएगा ट्रेकियर्स, उसके अंदर वो ट्रेकिया के द्वारा ही ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं इसके अंदर। अब ये लास्ट का पोर्शन अपना आज का ये है। अब ये देखो मैंने क्या लिख रखा है, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको पढ़ेंगे अस्थमा, ब्रोंकाइटस। अगर मान लो कभी कभी किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है ना, यानी उसके जो डिजीज है वो है ब्रोंकाइटस। कौन सी डिजीज है उसके? ब्रोंकाइटस, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इट इज ए डिजीज अकर ड्यू टू इट इज ए डिजीज ड्यू टू किस कारण से होती है ये डिजीज? अगर हमारे लंग्स हैं वो काम करना कम कर दें तो, हमारे लंग्स हैं वो काम करना अगर कम कर दें तो इट इज ए डिजीज अकर ड्यू टू
इफ डिफिशियंस, इफ लंग्स आर नॉट डूइंग इट वर्क इन ए प्रॉपर मैनर, अगर सही तरीके से लंग्स जितना होना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहे हैं तो यानी ये वाले डिजीज है। और इस डिजीज का रीजन क्या है? बस एक ही रीजन है, क्या? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से ऐसा होता है। कई की बार बोला जाता है कि माइंस के अंदर जो काम करते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है, या फिर अगर मान लो कोई स्मोकिंग वगैरह, अगर कोई स्मोकिंग प्रीफर करता है तो उसको भी ये वाली दिक्कत हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी ट्रेकिया है वो सिकुड़ने लगती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, इसी को बोला जाता है ब्रोंकाइटस। इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क, ये जो लंग्स है इसकी इफिशियंसी वो वीक हो जाती है। वीक इफिशियंसी ऑफ लंग्स, लंग्स की इफिशियंसी है वो कम हो जाती है, जैसे एयर पोल्यूशन के अंदर, या फिर मान लो पोल्यूटेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो जाके जब एक जगह पे इकट्ठे हो जा रहे हैं, जम रहे हैं, जैसे कोल माइन के अंदर काम करते हैं उनके फेफड़ों के अंदर और जो जितना भी डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल वो जम जाते हैं, या फिर स्मोकिंग करने से भी ऐसा होता है, इस वजह से ब्रोंकाइटिस है वो होता है। इसी के साथ ये रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है वो आज का अपना कंप्लीट हो गया है।